हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चेस किंग में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप 9 मूव्स में अपने ओपोनेंट प्लेयर की क्वीन को कैसे सेवर्ड कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। जो सबसे कॉमनली मूव होती है वाइट, वो चलता है अपने राजा के आगे वाले पोन को 2 कदम आगे बढ़ाना। फिर उसके बाद हमें अपने इस वाले पोन को 1 कदम आगे बढ़ाना है। फिर उसके बाद ओपोनेंट वाइट यही समझेगा कि मेरा ओपोनेंट प्लेयर अच्छा नहीं खेलता है, इसलिए अब वो हमें पोन मूव में चेकमेट करने की कोशिश करेगा। इसलिए अब वो अपने वाइट बिशप को यहाँ पर रख देता है। अब हमें अपने वाइट बिशप को यहाँ पर रखना है। अब वो अपनी मूव को सक्सेस करने के लिए क्वीन को यहाँ पर रखेगा, जिससे यहाँ पर डबल अटैक पड़े और वो अगली मूव में क्वीन से हमारा ये वाला पोन मारकर हमारे चेकमेट कर सके। लेकिन हमें अपनी इतनी जल्दी चेकमेट नहीं करवानी है, हमें अपनी चेकमेट प्रोटेक्ट करनी होगी। इसलिए अब हमें अपने इस वाले पोन को 1 कदम आगे बढ़ाना है। अब वो हमारे इस वाले पोन को हटाने के लिए इस वाले पोन को 2 कदम आगे बढ़ाता है, जिससे वो अगली मूव में इस वाले पोन को 1 कदम आगे बढ़ा के हमारा ये वाला पोन हटा सके। अब हमें अपना नाइट यहाँ पर रखना है। अब ओपोनेंट वाइट अपना एम पूरा करने के लिए इस वाले पोन को 1 कदम आगे बढ़ा देता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे नाइट को चेक मिल रहा है और अब हमें अपने नाइट को सेव तो करना ही है, लेकिन ऐसी जगह सेव करना है जहाँ पे हमारा एम है वो पूरा हो सके। अब हमें अपने नाइट को यहाँ पर सेव करना है। अब फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं ओपोनेंट वाइट की क्वीन को चेक मिल रहा है। अब ओपोनेंट वाइट अपनी क्वीन को बचाने के लिए यहाँ पर ज़रूर रखता है, क्योंकि जिससे हमारा घोड़ा वो सेवर्ड कर सके। क्योंकि अब हमारा नाइट यहाँ पे पूरी तरीके से फंस चुका है, हमारा नाइट जहाँ पर भी चलेगा वो सेवर्ड हो जाएगा। अगर वो इस वाले पोन को मारता है तो भी हमारा नाइट क्वीन से सेवर्ड हो जाता है, और अगर वो यहाँ पर रखता है तो भी हमारा नाइट क्वीन से सेवर्ड हो जाता है, और अगर हमारा नाइट यहाँ पे रखा जाता है तो भी वो किंग से सेवर्ड हो जाता है। तो अब हमें अपने ब्लैक बिशप को यहाँ पर रखना है। अब फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे ब्लैक बिशप की वजह से ओपोनेंट वाइट के किंग और क्वीन एक ही लाइन में आ गए हैं, हमारे ब्लैक बिशप की लाइन में। अब ओपोनेंट वाइट के पास कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे ब्लैक बिशप को मारने के अलावा। अगर ओपोनेंट वाइट अपनी क्वीन से नाइट को सेवर करता है तो हमारा बिशप है जो राजा को चेक देता है। तो इसलिए वाइट के पास कोई ऑप्शन नहीं है हमारे ब्लैक बिशप को सेवर्ड करने के अलावा। अब वो हमारे ब्लैक बिशप को सेवर्ड कर देता है। अब हमें नाइट से ओपोनेंट वाइट के इस वाले पोन को सेवर्ड करना है। तो फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ओपोनेंट वाइट के किंग और क्वीन दोनों को चेक मिल रहा है। अब ओपोनेंट वाइट कॉमनली अपना किंग सेव करेगा और हमें ओपोनेंट वाइट की क्वीन सेवर्ड कर देनी है अपने एम को कंप्लीट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बस इतना ही। नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी या नहीं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।